हेलो हेलो हेलो, हाँ मुश्ताक, मुश्ताक पजामे सिल गए तो भेज दे। अबे क्या भेजा, वो सिला हुआ दूसरा पांचा ही नहीं है क्या? मैं लंगड़ा लग रही हूँ तेरे को, टांग नहीं मेरी। चल यार तू भेज तो सही, मैं कोई एडजस्टमेंट कर लूंगा यार। कौन आ गया? कौन? प्लीज कम इन। ईद मुबारक आने वाले, आ जाओ। ओहो भाई मैं कहता हूँ खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। मगर आप लोग हैं कौन? क्या हो गया? अभी पिछले साल नीचे शिफ्ट हुए। अच्छा आप लोग हमारे नेबर्स में से हैं? जी जी। सॉरी, कुछ लेंगे आप लोग? माफ कीजिएगा। अच्छा मैं असल में मैं अभी पहुंचा हूँ, मंडी गया हुआ था। ईद तो अभी सुबह आया हूँ ना वापस। अच्छा तो ये चारा लेके कहाँ घूम रहे? नहीं चारा नहीं है बेटा, ये मैं जब बहुत बड़ा हादसा हुआ बेटा। क्या हुआ? बेटे मेरे से नाम लग गया, मेरे पे नाम लग गया। मैं वहाँ खड़ा हुआ था मंडी में, गाय भैंसों के पास और बकरों के पास। बेटा पता नहीं किसने, जलील आदमी ने मेरी जेब में उनके चने डाल दिए जो वो खाते। चोरी के मुझे इन्होंने चमाटे घूसे लपाड़े धपाड़े मारे, हालांकि मैं सिर्फ देख रहा था किस किस्म के होते हैं। वहाँ पे काफी की चतानी हुई, देख रहे हो कपड़ों का क्या हो गया। मंडी करने क्या गए थे आप? बेटा मंडी में लट्ठा लेने गया था। मंडी में क्या होता है, जानवर लेने गया था और खाई लेने गया था। नहीं जानवर वो असल में आपने किया नहीं ना, कोई 5-6 साल हो गए। क्यों नहीं किया? हमें तो नजर नहीं आया। अबे पिछले साल तुझे प्यार नहीं किया था? तू बोल रहा मेरा जानवर तो कोई मेरा किया ही नहीं। लास्ट ईयर हमने तो न्यूयॉर्क में किया था। जी जी। हमने इससे पहले हम लोग खुद ही पहली दफा यहाँ कुर्बानी कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने रशिया में कुर्बानी की है। हाँ जी हाँ। तो अच्छा तो हम लोग जापान की कुर्बानी आपने हमारी नहीं देखी जो मैंने ब्रूस ली से करवाई थी? ब्रूस ली ने तलवार से तन जुदा कर दिया था उसका। बताएं इस दफा की कुर्बानी का क्या हुआ? जानवर है आपका? जानवर भाई, बेटे अभी सौदा करके पहुंचा हूं, सुजुकियां लेके आ रही है। ईद की नमाज हो गई, कुर्बानी का टाइम हो गया, आप कह रहे हैं कि अभी सुजुकी आ रही है? तू तो इस तरीके से आ रही है, तुम लोग 3 दिन पहले कर ली है। ले लो बताओ इनको। हमारे यहाँ तो भाई कुर्बानी आजकल, आपको पता नहीं अंकल फैशन का? आए बकरा नहीं पता है? आए बकरा एप्लीकेशन का नहीं पता आपको? भाई नहीं, मुझे नहीं पता बकरा कौन किसका। आए बकरा, आए बकरा एप्लीकेशन है। आए बकरी होता बेटा, आए बकरा नहीं होता। ओ माय गॉड सच एलएस, ओ माय गॉड क्या हुआ? वो आपने तो बकरा कर लिया था ना? आपने बकरा कर लिया? हाँ, हमारे चारों दोस्तों को भी पहुंच गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू नो वो स्टाइल में पहुंच भी गया। कैसे पहुंच गया जरा मुझे आपको नहीं पता भैया? बताओ बताओ। एक एप्लीकेशन है आए बकरा, उसको प्रेस करे, उस पे आपका नाम लिखे, फॉर्म फिल आउट करे, बकरी की तस्वीर डाले, सुबह को वो आ जाते हैं बंदे, आपका आपकी गाय ने लिया वो ले जाते हैं, वो मशीन में फिट करते हैं, यहाँ से आप बटन दबाएं, वो सारे उधर कुर्बानी हो जाती है, अल्लाह अकबर पढ़ते हैं वो लोग, और आपके जो सारे उसके सिरी अलग, उसका पाए अलग, उसका भेजा अलग, उसका गुर्दा अलग, उसके प्रॉपर हिस्से बन के राने अलग, ये वो सब कुछ सब पहुंच जाते हैं। घटिया तरीका, शोबाजी। मैं जो करके आया हूँ ना अभी, वो बस होता नहीं बेटा, और तुम्हें बता रहा हूँ कॉपी ना करना पिछले साल। ये जो मैंने करा है, दस्ती बम खिलाया बकरे, दस्ती बम ग्रेनेड खिला के इसे चढ़ा दिया रिश्तेदारों के मोहल्ले में जाके, जिस जिसको गोश्त पहुंचना था फटा बकरा, हर एक के घर पहुंच गया। ना लाने की जुर्रत, ना ले जाने का झंझट, बस गोश्त पहुंच गया भाई। हमारे घर तो कुछ नहीं पहुंचा। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात, अभी यहाँ तो कुर्बानी हुई नहीं है, ये तो मैं अपने पिछले मोहल्ले का बता रहे हो। हमें तो रान मिलेगी ना आपकी तरफ से। मैं पूरा जानवर आपको दूंगा, जबरदस्त, खुद अपनी मर्जी से छाटना, अपने बकरे में चीजें छाटना तुम। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तुम्हें बकरे में क्या चीज पसंद है? मुझे तो पाए पसंद है शहजाद, भूल गए पाए और मगज, मगज भी। हाँ भाई, ओजड़ी अभी तक किसी ने मुझसे मांगी नहीं है। अगर किसी को
अगर दिलचस्पी में मुझे क्योंकि बड़ी जबरदस्त झुलके बनती है जिस वक्त उसकी बटे बनती है, मैं कहता हूँ भाई मुंह में रखो घुल जाओ ऐसा तेरा चाचा बना था। मैं तो सोच रही थी कि आपने कोई फीस्ट रखा होगा, यू नो फीस्ट फीस्ट नहीं, कोई फीस नहीं भैया, घर फ्री है, इसमें फीसें कहीं की लेनी मैंने। कहा था ना यहाँ पे कुछ नहीं मिलना खाने पीने को, चलते खाने पीने को क्यों नहीं मिलना, अलग करा मैं फ्रिज के फ्रिज रखे हुए। चले वो तो छोड़े, ये बताए कि कुछ कुछ बेटे मैंने तुम लोगों के लिए प्राइस बोन रखे हुए ले लेके 500-500 रुपए। वो पिछली दफा भी थी, अगर वो निकल गए ना माला माल हो जाओगे। वो कभी नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, जब मेरी जेब से निकल गए तो निकलेंगे जरूर। क्या बात कर रहे हो यार, बच्चों जैसी नहीं तुम लोग, बच्चे हाथ बुरे लगते ना सऊदी अरब चले जाओ चोरी करके कटवा लो, फिर में काट देंगे वो। यार बात कर रही भाई, इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाई, पिक्चर लगी है ना फेसबुक पे, मैं देखो तो सही था। अरे हमारे खानदान के फसाने बिखरे हैं वहाँ पे। फिल्म मिलम की लाइन में चले गए हो? जी जी वो फिल्में भी कर रहे हैं। हाँ, आप कर रही हो फिल्म मिलम? जी कर रही हूँ। अच्छी वाली? अच्छी वाली कर रही हूँ। अच्छी अच्छी फिल्म हो? बिल्कुल बिल्कुल। ना, मेरी बदनामी हो ना फिल्म के अंदर, मैं खुदा एकदम सैनमा की दीवारों में टकरे मार के ना बता रहे हूँ। कौन सी फिल्म? कराची से लाहौर? नहीं मैं कराची से लाहौर तो फिल्म इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा भाई। फिल्म का नाम है कराची से लाहौर। अच्छा फिल्म का नाम है कराची से लाहौर। मैं देख लूंगा तेरे लिए देखूंगा। बस देखनी तो मैं बिल्कुल हूँ, अभी तो कह रहा हूँ पूरी फिल्म में पूरी फिल्म में हूँ। तू ये आइटम भी मैं कर रहा हूँ, बाकी कास्ट सो रही है? बिल्कुल सो रही है। चल ठीक फिल्म से देखूंगा जाकर, जरूर देखूंगा। टीवी में आएगी तेरी फिल्म? टीवी पे आएगी, लेकिन पहले आपने शर्मा में जाके देखी। वो पहले शर्मा में देखो। अब तेरा क्या कर रहा है वो तो हर फिल्म में, शूटिंग में गए थे तो हर फिल्म में, जो फिल्म बनी भी नहीं उनमें। अब्बा बहुत सही क्या कर लिया तेरा, सही कदम काम कर रहे थे अब्बा। माशाल्लाह तंदुरुस्ती है। तुम लोग भी कोई जानवर मतलब बिल्कुल कोई एक आधा बोटी भी घर में नहीं रखी? वो फेसबुक पे पेज पे लगा दी थी ना तस्वीरें इतनी सारी बोटियों, कोई दो चार बोटियां तो रख लेते, अभी सेक के खा लेते कुछ तो होता, सहारा मिल जाता। हमारे आश्रय तो आए थे आपके पास। जानवर तो बाई रोड आ रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं। अभी काटवा के अभी भिजवाता हूँ, प्लीज भिजवा दीजिएगा। वो भैरोजन का भी पूछ रहे थे। और तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है? बिल्कुल मजे में। कितने हो गए तेरे? अभी तो एक हुआ है। एक हुआ है? मेरा भी एक ही। एक बच्चा, एक एक बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे तुम्हारे बच्चों को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे यार, हम तो यही कह सकते हैं। ठीक है, किसी लड़की से अफेयर तुम चल रहे? नहीं तेरा? नहीं मेरा नहीं, बीवी से चल रहा है बस। बीवी से अभी तक अफेयर कर रहे हैं? क्या बोर कर रहे हैं तुम? आंटी आंटी जा सकती है हनीमून पे अकेले, मैं अफेयर नहीं कर सकता बीवी के साथ। मैं आंटी आंटी का नहीं भरोसा, यही कह सकता हूँ टाइम पास कर लो। बच्चे साथ गए हैं, अकेली थोड़ी गई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे बच्चे साथ गए। अच्छा पूरे 15 के 15 गए? पूरे 15 के 15 गए? 15 बच्चे कहाँ है मेरे, क्या मुझे क्या समझा? क्रिकेट नहीं, नहीं वो सारे मेरे बच्चे नहीं है। अच्छा? वो मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, रहते एक साथ हैं ये लोग। अच्छा फैशन में है शहजाद, तुम नहीं समझते। नहीं पता ना इसको फैशन के बारे में। तुम्हारा सा हीरो कौन है फिल्म में? जी बस मैं क्या बताऊँ, मुझे शर्म आ जाती है। तो फिल्म लाइन छोड़ दे तू। शर्म आ रही है, फिल्म लाइन में भी जा रही है, पागल बना रही है तू। ले ले चल ले तू खा। मेरे साथ एक्चुअली अभय देओल है, इंडिया में नहीं होते। अभय देओल? अभय देओल, अभय देओल, ये कैसा नाम है जैसे बुलाते होंगे। अभय देओल, अभय देओल उसका भतीजा है? जी जी वो भी देओल का नहीं, भतीजा नहीं, कजन्स है। कजन्स है? धर्मेंद्र की भतीजा है। धर्मेंद्र का भतीजा, तो वो फैमिली हुई एक देओल फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल फैमिली है, माशाल्लाह से। हाँ जावेद शेख है, सलीम शेख है, शेख रशीद है। आप सारे शेख एक ही तरफ हैं यार। शेख सुना बड़े कंजूस होते हैं, ऐसे ही मैंने सुना है। नहीं नहीं हम तो बिल्कुल कंजूस नहीं, हमने तो कुर्बानी की है, 4 गायें की है, 25 बकरे किए। कैसी बात कर रहे हैं आप? 15 ऊंट भी है? बकरे आए बकरा, आए बकरा। आप डाले अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन में, बता रहा हूँ।
आए बकरा और क्या, एप्लीकेशन से खुद ब खुद वो जिम्मा हो जाते हैं। आप कहाँ बकरे मंगवा रहे हैं अभी वहाँ से यार, गाड़ी में आएंगे अभी तो आपके। नया सिस्टम फैशन। अच्छा अच्छा, मैं इनसे बात कर लेता हूँ, मुझे 100 करवाना है कर देंगे, 5 मिनट में फिगर। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मेरे बकरे कटे नहीं और आपके यहाँ पहुँचेंगे, और साथ में ईदी भी भिजवा दी। ईदी ठीक है ना, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 3 महीने का, उसका 6 महीने का, तो मुझे ईदी रिश्ते से देनी है, तरस खा के देनी है। जैसे मुंह बना रहे हो तरस खा के ही नहीं, शेख है ना, शेख है, शेख है, शेख। बस यही, बस आप बेफिक्र हो जाओ, ठीक है, बेफिक्र हो के जाओ, तुम्हारे घर अभी पहुंचने वाले हैं। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, तुम लोग आए और तुमने इतना टाइम दिया, ये ले लो, रास्ते में खाते हुए चले जाना, है ना। अंकल ने ये ना कहना कि इतना कुछ दिया नहीं, तुम भी बेटा ये लो, मुझे आप ये दे देना। नहीं नहीं बेटा ये ले, ये अच्छा ले लो, ये खाओ आराम से, ये ना कहना अंकल ने कुछ दिया नहीं, ये तुम्हारी ईदी है। ओके बेटा, ईद मुबारक, ईद खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। जाने का म्यूजिक, जाने का म्यूजिक, जाने का म्यूजिक। गाय का नंबर लगा के ना इसे तैयार करो यार। हाँ, गाय को तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ, हो चुप कर जाओ, भी बताता हूँ, सींग चमका दो, बस मैं कह रही हूँ, लश्कारे मार। कितने ले लोगे रियायत में, स्टूडेंट समझ के बात करो। चलो जितना भी, जितने का भी तुम्हारा जानवर है ना, उसका 10% दे देना बस। ले क्या परसेंटेज में काम कर रहे है, क्या समझ रहे हमें भाई, 600 रुपए दूंगा कहेंगे। अस्तगफार पड़े, कैसी बातें कर रहे हैं, इतना मुबारक दिन है और इतने इतने से पैसे। तेरे लिए मुबारक चल रहा ना, हमारे तो लाखों चल रहे, तू खींच रहा है और हम दे रहे। अच्छा चल, फी बोटी 8 आने लगा ले भाई, बहुत बड़ा पैकेज दे दिया तुझे कसम से, मजाक बात है, फी बोटी 8 आने दे दिया। अरे इतना पैकेज तो रमजान में नहीं मिले, मान रहे भाई, अपनी समझ में नहीं आई तुम्हारी बातें, तो दफा हो जाओ फिर। बड़ी मुश्किल से मिला है बेगम साहबा, ये मुझे मिली नहीं तो छुप जाता, इतना तेज है ये, छुप जाता, मिलता नहीं किसे। आने फी बोटी, चल 12 लाल 75 पैसे फी बोटी। यार कुछ समझ नहीं आ रही, कर ले अब, ऐसा नहीं है, अब देखो ना, बस जब मैं लाया हूँ तो आप देखें। और बता दूं, गाय काटेगा, बकरा काटेगा, दुम्बा काटेगा, और इसके साथ सामने वाले 3 दरख्तों में भी काटने, ये पैकेज में होंगे, पहले बता रहे हैं, वो भी कटवाने हमने। ये क्या हो रहा है, ये 3 दिन के बाहर है ना, 4th दिन आके दरख्त काट लेना, तुम्हारे लिए क्या मसला है। ये आंख किसको, इसको तुम्हारी आपस में सेटिंग हुई है। नहीं है सेटिंग वेटिंग नहीं है, अगर गरीब इत्तेहाद हुआ यहाँ तो फिर सरमायादार भी इत्तेहाद कर रहे हैं, बता रहे हूँ। नहीं नहीं, वो तो मेरी कोई और सेटिंग है भाई, वो देखो भाई, ईमानदार हो आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, गायें बहुत नाजों की पली हुई है भाई, प्रोफेशनल और खानदानी कसाई है हम लोग, बिल्कुल किसी कसाई के घर में ही पैदा हुए थे। हाँ, बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब जानवर हमारे थोड़ा सा खाल खराब ना हो, गला ना कटे, पहले बता दो। बिल्कुल सही है, इस तरीके से कटिंग करो, खाल कर के यूं करके, यूं करो खाल कर जाए, वो उसकी तो आप फिकर ही ना करें ना, मैंने आपको कहा गला ना कटे, पहले बता दूं, गला ना कटे, टेक्निकल काम हो जाएगा ये तो, ये तो बहुत टेक्निकल से अभी तक इसके कपड़े काट रहे हैं। आप बेगम, तुम अच्छा वाला गुस्सा खराब कर दे रही हो, खुला तुम्हारे मुंह पे टमाटर खाओगी तुम। नहीं बेगम साहबा, ये खून के कपड़े पहना हुआ था मैंने, बोला सरकार के सामने पेश होगा, तू भाई कपड़े साफ पहन के जा, साफ सुथरे कपड़े पहन के आया हूं ना मैं। वो कह रही है सारा दिन से ये जानवर काट रहा है, एक चीट खून, तूने क्या खून में कम खून वाले जानवर काटे आज? अरे बड़े साहब, मैं साफ सुथरे घर। अरे बड़े साहब क्या, इतना बड़ा तू, हम तेरे बड़े साहब, उम्र में तो आप बड़े हैं ना। हाँ बहुत बड़ा हूँ मैं, तो मेरे हाथों में तो तू पैदा हुआ, मैं तो उसी वक्त मार रहा था, तो मार दो इसे। क्यों बड़ा बड़ा कह रहे हैं, बहादुर जान अमर के कान में अजान दी इन्होंने, बहुत अच्छी बात की आपने माशाल्लाह, इतना बड़ा बता रहे तो मैं कितनी बड़ी होंगी। भाई कसाई, तूने हमें हंसा हंसा के बेहाल कर दिया। अच्छा बात,
टोकरी में डाल दिया बस, है ना। ठीक है, आप टोकरी में रखे, आपको इनको जानवर दिखाओ, मैं दिखा और जानवर को इनको दिखाओ, दोनों के जहन पढ़ लो फिर। अगर दोनों मुतमइन है तो फिर कुर्बानी करा दो। ऐसा ना हो कि जानवर यू यू कर रहे हो, ऊपर से यू यू ये कर रहे हो। दोनों का जहन मिल जाए और दोनों के अंदर एक केमिस्ट्री मैच कर जाए, बिल्कुल, तो कुर्बानी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर खुद ब खुद हो जाएगा। इन दोनों को आमने सामने बिठा के चाय पिलाओ, इनकी अंडरस्टैंडिंग कराओ, रिसाले दो इनको। अबे अंडरस्टैंडिंग काहे की जानवर से कर रहे हैं, तो अंधे तो बड़े साहब, अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्यार से करेगा ना। अब ईमानदारी से बता, मुंह ऐसे कर ले वरना तेरी बुद्धि आएगी यहाँ, इसकी छत भी उड़ी हुई है। ये बता बेगम कैसी लगी है? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। दूसरों के घरों में बीवियों को घुस के कुर्बानी का कसाई बन के कर ये बात है। ला 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 ला। क्या कर रही है ये बात? बड़ी मुश्किल से मिला सरकार ये। अब किसी को नहीं मिलेगा ये। बस माफ कर दे, माफ कर दे, गलती सरकार, पहले कुर्बानी करा ले, बाद में इसकी कर देंगे बाद में मेरी कुर्बानी, पहले इसे कटवा दे। गलत बात नहीं करना, नहीं करेंगे बेगम के बारे में, बेगम के बारे में खुदा की कसम, आंखों में खून, अल्लाह खैर करे। लेकिन आपस में दोनों भाई है कैसी है बता? बहुत अच्छी। इसके बावजूद भी तेरी है बाबू। भाई जाओ, बड़ा वाला बुरखा पहन के आओ, तुम्हारी वजह से कसाई हमारे घर में फर्क करने आ गए। देखो बड़ी एहतियात से, बहुत कीमती गाय है, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, उसको बड़े इज्जत आबरू से हाथ लगाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। ये मुझे बताओ, जब कोई तैयार होता है और अच्छा तैयार हो उसकी तारीफ करनी चाहिए कि नहीं? तो तुमने की? अब नहीं करूँगा। इसका मतलब है ये बहुत ये कह रहा है? नहीं नहीं, मैं आपके लिए अच्छी, मेरे लिए, मेरे लिए अच्छी, हर औरत को अपने आदमी के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, शाबाश, हम तुम्हें इनाम देंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए दो इसे। मैं दूं? अबे मैं दे, मैं दूंगा इसे। वेरी गुड, 8-8 महीना करके आपको मिलेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए। जा भाई जानवर दिखा दे, चलो भाई आ जाओ, जानवर को इनको भी दिखा देना, ठीक है? आ जाओ, मैं तुम्हें जानवर को दिखा दूं, जानवर को तुमको दिखा दूं, ताकि दोनों की बात बन जाए। ये काट लेगा गाय? ये वैसे नहीं काटेगा गाय, ये गाय के काट लेगा, अच्छा। हाँ छुरी नहीं चलेगी इससे, मैंने इसके हाथ देख लिया है ना, इससे तो बहुत अच्छा था, खुदा की कसम। आज अफसोस होता अपनी किस्मत पे, क्या जिंदगी तू ऐसे ही फिरती रही, ना तुझसे बच्चों के स्वेटर बुने गए और ना तूने गाय काटनी सीखी। आज तू गाय काटने थी, पछाड़ के बैठ गया थी ऊपर, बिस्मिल्लाह कर देती। क्या औरतें थोड़ी काट सकती है? क्यों नहीं, औरतें थोड़ी काटती है। अबे क्या हो गया तुझे, इसी बहाने अपने आप को औरत भी कह ले? नहीं तो जब तुझे बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं है, औरतें सिर्फ शौहर की जेब काट सकती है और कुछ नहीं काट सकती। क्लैप मुबारक। तुम कर रही हो फोन मुझे? फोन मुझे तो कोई करता ही नहीं, तुम ही कर रही हो। एक मिनट, हाँ हेलो, हेलो नहीं, हेलो नहीं बोला, हेलो बोले ना। हेलो हेलो हेलो, अच्छा भाई अच्छा, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं बदमाशी के लहजे में नहीं बोल लिया था। हाँ तो मसला क्या, क्यों फोन किया है, क्या हुआ? नहीं नहीं, ऊँट किसकी झोपड़ी में घुस गया? अबे तो मुझे क्या पता, मैंने भेजा ऊँट क्या?
हमारा ऊंट नहीं है, हमारी गाय बकरा और दुम्बा चल रहे हमारा, हमारा नहीं है चौदह जिनावर, नहीं हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है भाई, हमारा नहीं है। अच्छा चल मेरा है, दे जा। अबे दे जा ऊंट मुझे, मेरा है तो पता नहीं क्या फोन कर रहे हैं, बता दूंगा वो काल बता दूंगा किसी दिन भी जीवन। अभी देखे अभी एक औरत ने भी कौन कह रही थी कि आके गोश्त काट दो मेरा, कौन आपने किसी से कहा था मैं गोश्त काटूंगा? क्या पागल हो गई तुम, क्या क्या सिगरेट छोड़ दिए तुमने? हेलो हाँ कौन? अबे नहीं है ये, कौन दे रहा है ये लोगों को मेरे नंबर कसाईयों के, कि मैं कसाई हूँ? अच्छा भाई अबे देख बाहर कोई बज रही है, ये जाएंगे देखने, ये यही चाहता है। कौन है? आजा बैठो। सरकार मेहमान आ गए। आ गए? आ गए मेहमान, आए मेरा डांस है क्या, सीट लगा दे। अनन्नास एप्पल मीठे खट्टे मैंगो पेन कोई जूस घर में नहीं है तो चाय बना लेना। कैसे हैं मोहम्मद भाई आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप यार ईद मुबारक हो आप। खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें ना, देखे कुर्बानी छोड़ के हमारे घर आ गए। यार आपके कुर्बानी का क्या हुआ? बकरा लेके आए हैं, बकरा लेकर आए हैं हम, लेकिन मुझे जब पता चला आप लोगों का माशाल्लाह 32 लाख की गाय आप कर रहे हैं तो हमने लीज पे लिए बैंक। क्या हो गया 32 लाख? आप क्या 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 के उसको ना 6 लाख की कर देंगे सर? पूरे चैनल पे चल रहा है इस वक्त आपके, आए थे चैनल वाले बड़ी, बस ये बस कुर्बानी तो मेरा मतलब है पहले सब ये कुर्बानी होगी उसके बाद फिर मुझे दिखा रहे, मुझे दिखा रहे नहीं आपका, सिर्फ हाफ पोर्शन। मेरा हाफ पोर्शन भी बहुत है, हाफ पोर्शन तेरा सिनेमा स्कोप जितना आता है, तेरा फुल पोर्शन दे के इन्होंने टीवी फड़वाया था अपना। हाँ भाई तो माशाल्लाह जिनावर ले लिया। हाँ जी बिल्कुल जी। जिनावर आपने? जी जी जी। तो भाभी क्या दिया आप लोगों ने? बकरा बकरा जी, बकरा भाई बकरा अच्छा होता है, मैं कहता हूँ बेहतरीन चीज बकरा है। बकरे से क्या होता है कि गाय का इधर उधर का गोश्त आ ही जाता मोहल्ले से जी, है ना, बकरे का नहीं आता। अच्छा ईद के सिलसिले में रिकॉर्डिंग तो खूब हो रही होंगी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत ज्यादा। कौन कौन सी मदद चाहिए? नहीं कौन कौन सी, इससे आपके क्या मतलब उमर भाई? मैं मुझे आप क्या मतलब ही समझ रही है? आप कपड़े पे इतना पैसा खर्च हो गया इसके कपड़े पे, मैं आप ये जो लोग कालीन बुनते हैं ना उनसे कमीज बनवाई, आम दर्जी तो बोलेगा मैं हाथ ही लगाऊंगा इस कस्टमर के कपड़े। नहीं नहीं कल ये जो है ना चांद रात को ईंटों से फतराव करती हैं दुकानों पे, ये इनके कपड़े गलत सिल जाते हैं। पिछली दफा भी उसने कमबख्त ने उल्टी कमीज सी दी। हाँ कह रहे डिजाइन यही है कपड़े का। अच्छा मैंने कहा उल्टी कमीज सी, अब काम इसका क्या 20,000 का कमीज की कीमत है? 20,000 तो वो कह रहे इनकी गर्दन यूं करवा दो। मैं कहा इसमें तो ये औरत ही निकल जाएगी हाथ से। देखिए 20,000 में बुरा नहीं है का? अरे मम्मी भाई एक पजामे का कर दिया हिस्सा और एक गरारे का, और ये कह रहे यही पहनो डिजाइन है। अब हाँ तुम इस तरह से चलो लोग कहेंगे कितना अच्छा गरारा बना, न्यू मम्मी तो सलवार बन गई। अच्छा वैसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा था जी, बोलिए। आपके आपके जूते जो पंक्चर भी होते हैं? नहीं उनके उनके नहीं नहीं ये इन्होंने पता क्या हुआ जूतों में हवा ज्यादा भरवा ली है, ये 33-33 की है, इन्होंने 55-55 हवा भरवाई थी। ऐसे पैर उठा के दिखा दो ना हाँ ताकि देख ले जिसने देख रहा जूता देख ले। लेकिन आपने इसको सजाया बहुत। अभी पैर से जूता उतारेंगी ना तो यहाँ बैठा नहीं जाएगा बता रहा हूँ। हमारी बेगम जो है ना माशाल्लाह पैरों के इतर वाले, हमारे हम उनके पक्के कस्टमर है जो पैरों का इतर भी ऐसे मोजे थोड़ी पहने, मोजे नहीं है अगर ये मोजे पहन ले इनके मोजे सुंगा के ना बाईपास के मरीज को
भी 22 घंटे होश में नहीं आते वो लोग। मेहमान आए में तो खाने पीने का तो बोसों की बातें कर रहे हैं आप, गंदी बदबूओं की बातें कर रहे हैं। मैं आपको सजी हुई है फुल टाइम पता चल रहा है। सारे क्यों दे दो सजी हुई है। नहीं सजी से मुराद माशाल्लाह लग तो भरपूर लगी है भाई, बच्ची लग रही है। बच्ची बच्ची क्या मतलब, छोटी सी थी जब आपने शादी कर ली? हाँ बहुत छोटी थी है, इसकी पहली सालगिरह हमारे वलीमे वाले दिन हुई है। बहुत छोटी थी बाबा, ये बेचारे अनजाने में पागल थी शादी हो गई। हाँ मैं गली में खेलती थी, अंकल बोलती थी, इन्होंने मुझे फंसा लिया। लाहौल में लाहौल आप बेगम ऐसी बातें ना करो। तू पहले हंस ले पहले। अल्लाह ने हंसाए तो अच्छा शोर दिया, देख के हंसी आती है। बहुत दिलचस्प है भाई, पता नहीं कब जुदा होंगी। आप चाहते हैं जुदा हो जाए? नहीं अल्लाह ना करे। तुम इतनी प्यारी माशाल्लाह। पिस्ता बढ़ाए रिश्तों की मिठास। ये जो बंदा है ना, इसको कोई समझता है ये हीरो है, ये हीरो नहीं है, ये विलन है, बहुत ही खोचल है, विलन है, विलन। इसने लगा दिया आपको काम पे हमारे घर। ओए कबाब वबाब नहीं लाना, वो तो मैं रख चुका बेटा। बात सुनो, जो अशिया मम्मी तो बहुत शरारती है मौन से। तुमने इनकी दिल की बातें छेड़ के इनसे बुलवा दी है। जो अशिया खुर्दनोश हमारी अपनी जाती है वो जी। वो जो अफराद ने भेजी है पहले मोहल्ला ने जी। वो बेटा सब ले आओ और सब के सामने पेश करो, और सब फ्रेश माल है, सब अच्छा, फ्रेश यकीन के साथ हम भी खाएंगे बिल्कुल। नहीं वो पहले होता था ना, जब सेट्स लगते थे तो फ्रूट मंगवाया या कुछ खाना मंगवाया तो उसके ऊपर तेल से लग जाते थे, मच्छर की दवा मार देते थे। हम लोग तो मार ही नहीं सकते ना, ये मच्छर मर जाएगा। दिलचस्प बात और हम सब हंस पड़े। ये कब से है आपके पास? ये जी हम रात को हमारी आंख खुली, बिल्ली ने कोई चीज मुंह में दबाई, मेरी जान निकल गई। मैं खिड़की में से कर रही हूँ, बिल्ली ने एक चीज मुंह में दबाई हुई, फिर मैंने जूता पकड़ के मारा उसके पेट पे लगा बिल्ली करिए मैं तो ये मुंह में से निकला। तो मैंने उस दिन इसे मोजे में सुलाया, मोजे में एक रात इसने फर्स्ट नाइट ही स्लीपिंग इन द मोजा, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको रूई से दूध पिला के ये मैं यहाँ तक लाया हूँ। बस उमर भाई वो मोजा भी वफात पा गया जी? नहीं वो मोजा रखा हुआ, कभी कभी ये स्कूटर पे जाता है ना तो इसको पहन लेता मुंह पे। ये मोजे कोई समझता है कि यही मेरा बैकग्राउंड है। बहरहाल खाने पीने की अच्छी है तो, और यार बता नहीं रहे कि माहौल क्या चल रहा है। शूटिंग वूटिंग का कहाँ कर रहे हैं काम, कौन सी फिल्में कर रहे हैं, कौन सी? अभी मैं एक फिल्म खत्म करके आया हूँ, साया खुदाए जलाल, नाम बड़ा प्यारा। Yes, और वो इट इज अबाउट हमारे कौमी तराने का आखिरी जो साया खुदाए जलाल, तो इट इज ऑल अबाउट पाकिस्तान के पाकिस्तान हासिल कैसे किया गया था। 1965 के हीरोज भी शूट किया उन्होंने, वॉर के और सारा कुछ, 71 की भी उसमें हीरोइन है, हीरोइन भी है, लेकिन इट्स बेसिकली इट्स अ मेल ओरिएंटेड फिल्म, सो थोड़ी थोड़ी देर के लिए नूर इज प्लेइंग रेचल है, और उसके अलावा इंशाल्लाह ये अब ईद आ गई है, अब इसके थोड़े अरसे बाद मेरी अपनी फिल्म जो है सिकंदर वो ऑन सेट जा रही है। यार सिकंदर फिल्म होगी देखने वाली, बिल्कुल मैं तो काम भी करूंगी इसका। सिकंदर में वो तो बन गई है, नहीं रिलीज करने का काम एक छोटे कैमरे पे बना रहे हैं। हाँ, तो मैं नहीं उस कैमरे में नहीं आ सकती। हाँ वो अभी आपने बताया, मेरा आधा मुंह आता है। ठीक है भाई, जब भी फिल्म बनाओ अब आप बेगम को एक आया शॉट दे दीजिएगा जो जिसके अंदर मेहमान अदाकारा बहुत अच्छा रोल करती है ये। ओहो कैसे? नहीं वो वाला रोल नहीं, कारीन वाला नहीं, मैं काम वाला ऐसे रोल। आपको क्या सर्कस का मस्त हाथी लग रहे थे आपको? ये यार आप मेरे घर मिलने आए चिमैया खाने है या हमारे अब खातून ने खाना किया? आपने कसाई की इतनी बेइज्जती की थी इनको बताए ना, ये देखे इन्होंने छेड़ रही है, नहीं और मुझे देख देख के छेड़ रही है। आप एक बात बताए, आप छेड़ रहे हो? मैं लाइन मार रहा हूँ। अच्छा आप लगे बेहिस हो गई हीरोइनों के साथ नचवा नचवा के।
होना पड़ता है क्या? कोई असर नहीं होता। जब हीरोइन इनकी गोद में बैठ के बोलती है सोनिया तो कितना अच्छा लगता है। नहीं कोई असर, कोई असर नहीं होता, कोई असर। वो मुझसे पूछे ना, असर इधर होता है। आप देखे मास्टर, आप है ना, ये किसी से बात कर ले मैं इतना सर तोड़ दू। देखो मेरे सर में जितने पंचर लगे हुए ना, बस छोड़ दो ना तुम इन बातों को ना करो। मैंने प्यार की हदें निभा दी हैं बस खत्म करो। अगर आपको मेरी इज्जत देखनी है ना, इस आदमी को मेरे घर से निकाल के ले जाइए, सब बता देगा आपको। बेटा सारी चीजें भी लगा दी खाने पीने की। भाई मैं कहता हूँ एक ईद के दिन है बैठे हुए, हंस बोल ले गावा ले कुछ यार। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल। अबे वो लड़का था तो बहुत अच्छा गाना गाता है। सरकार है आवाज मार। हेलो बुलबुल, मैं लेके आ जाता हूँ। लिया 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 मैं, आप देखें सरकार। कौन आया भाई? आ गए सरकार, सिंगर आ गए सिंगर। मैं तो अंदर तो छोड़, कौन है? ला रहा ला रहा। रोमांटिक बातें कर रहे हैं ना। हाँ, बहुत साथ में मोती है गजरे ना, और साथ में सुरमंडल बज रहा हो। अल्लाह मेरा, आंखों में सुरमा हो है ना, दो अगरबत्ती हाथों में जली माहौल बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ कहाँ कब्रिस्तान में हम लोग। मैं गजल की महफिल की बात कर रहा हूँ, आपका मौजूद नेगेटिव क्यों चले जाते हैं? मैं ऐसे नहीं, माहौल बनाते हैं। आप अच्छा था, बड़ी बेगम कहाँ मिली थी आपको? मोहब्बत की शादी है या टक्कर हुई थी कहीं? ये तकरीबन टक्कर ही हुई की बात है। हाँ, कितने साल पहले की? कई साल पहले। कई नहीं जिलानी साहब, 6 साल पहले की बात। 6 साल पहले की। मैं समझी कि वो पुरानी कोई बात मुझे है, ऐसे लगता बुढ़ा है। के जमाने मुझे ऐसे लगता है। हाँ। मुझे यूँ घुमा होता है। अच्छा, कई साल पहले की बात है। अच्छा, तो कहीं से खोद के निकाला था आपने? नहीं, इन्होंने मुझे बरामद कर दिया था। मैंने बरामद किया था। रेस्ट हुए बरामद किया। एक शूटिंग कर रहे थे ट्रावे की, उसमें ये हमारी बेगम का रोल कर रही थी। अच्छा, रोल कर रही थी जी, बेगम का किरदार कर रही थी, और मैं जालिम शौहर बना हुआ था। ओहो, इनको मेरा जुल्म करना अच्छा लगा। कहने आप जुल्म बहुत अच्छा करते हैं, जुल्म करते अच्छे लगते हैं विजुअली। विजुअली रियली देखने के, हां देखने के, यानी ये बेल्टों से मारा, हंटर से मारा, पाक प्लास से होंठ पकड़ लिए। ये इनको इतना पसंद आया, इन्होंने बोला कि मैं तो आपसे शादी करूंगी और सामान भी आपका होगा। जी जी जी। तो आपने इनका इलाज कराया बाद में? किस चीज का? इनका भाई, औरतें तो ऐसे जुर्म पे छोड़ के चली जाती हैं। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ये आप इनको क्या समझ रही हैं? आप ये माशाल्लाह, ये बड़ी बहादुर और बड़ी, जिस तरह मैं आपने मुझे थोड़ी देर में गुफ्तगू से पाया होगा तो ये समझे कि मेरा कॉम्बिनेशन है। ओह आई सी, भाभी स्टील वुमन है। ओके, और गल पाई है? समझ आ गई। बिल्कुल 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 ऐसा है कि मुलाकात होती है आपसे। यार ये मुलाकात बहुत जरूरी है भाई, मैं तो आपसे मिलके बड़ा बहुत मुतासिर हूँ। अब प्रोग्राम पक्का है? प्रोग्राम पक्का है। ऐसा कि साथ में के गोश्त कबाब पीतर बटे, अबे हिरन के गोश्त के, मैं मुझे ना खिलाना खुदा जो। आपको क्या हो जाता है? मैं भाग जाता हूँ खा के, हिरन की तरह भागता हूँ, हाथ में नहीं आता। कलाचे भरते, कलाचे भरते, कलाचे भरता हुआ। अल्लाह, चलो भाई हो जाएगा, दावत तय कर लो। ठीक है, मेहमानों को सबको कह दो। हाँ, दावत इनके है, सही। है। अपने मेहमान इनके बुला लो। जब चाहे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया भाई। सरकार वो टिक्के और वो मतलब क्या टिक्के जो है, वो तो मैं बताना चाहता हूँ, टिक्के खाने थे ना आपको। तुम पहले मुलाजिम का बंदोबस्त करो, अपना जैसे तुम्हारा जैसा चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे साथ ही ले चले। प्रोग्राम पक्का है जी जी इंशाल्लाह। कितने अच्छे है ना दोनों, काश तुम भी ऐसी होती, तुम वही रह गए गुठली की गुठली। गिर गया ना हम तो दोस्त की नजरों में। क्या हुआ? वो कितनी अच्छी बीवी लेकर आया, मैं उसके सामने उस जैसी पेश नहीं कर सका। हमारी तो होगी ना 2% इज्जत। तो क्या खराबी है मेरे? तुम उससे कबड्डी लड़ लोगी? बच्चे ने क्या बोला? वापस करके
अंदर रख दूं? नहीं, इनको सही तरीके से रखा रहने दो, ये दुकान पे वापस होंगे। ये इसकी नजर लगी हुई है कि वहाँ साइड में ले जाऊँ कुछ करूँ इसका। ये है करके खाने में, जब तो इसकी सेहत नहीं बन रही। और इस तरह कपड़ा नहीं रखा कर। हाँ यार, हमारी मोहल्ले में बात खराब हो जाएगी। देखिए जरा, गरम है? गरम है? हाँ गरम हो गया। बस सही है, जरा नमक चखना। क्या हुआ? अच्छा, इसका कमाल Feast from Walls। इधर ध्यान दो, यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे कोई मतलब है काम हो रहा है यहाँ पे। ये आप एक काम करें ना, जरा बताएं कि आप क्या बना रही हैं आज इस ईद के पूर्व मुसरत मौके पर, इस खर्चे वाले दिन में। आज मैं आपको दम का कीमा बना के खिलाऊंगी। दम का कीमा? और मैं कौन सा कीमा? दम का ये सांस लेता है? नहीं, खाते ये सांस नहीं लेता है। तो फिर खाएंगे दम जब उसमें दम ही नहीं है? ये दमे के मरीजों का होगा। नहीं नहीं, मैं बनाऊंगा बेदम कीमा। अच्छा, दम का नहीं है वो, बेदम है। वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है, सांस रोक के पकाते हैं। तो आप मुझे इसकी रेसिपी बताएं, फिर मैं बनाऊंगी। नहीं, पहले आप बताएं। मैं बताता हूँ रेसिपी जी, आप बताइए। आप लंबा सांस लें। अच्छा। और रोक लें। अच्छा। अब आप इसमें कीमा डालें। कीमे में मसाला डालें। अच्छा। मसाले में कुछ कैश भी डाल दें। अच्छा, तो सांस आएगी कैश डालने से? सांस तो लेना ही नहीं है, सांस रोक के कैश डालना। नहीं, हाँ कैश डाला, फिर तेल डाला। अच्छा। फिर आपने इसमें माचिस की तिली डाली। इसमें? इसके अंदर तो एक भपका सा उठेगा, उससे घबराना नहीं। अच्छा। ठीक है। हाथों पे आपने ग्लव्स पहने हुए, सही है। सांस अभी तक रोका हुआ आपने? तो जब तक तो मेरे ही सांस निकल जाएगा। ये है असल तरकीब। उसी का तो नाम है बेदम, दम का कीमा, यानी बनाते बनाते दम निकल जाओ। तो ये आप मेरा दम निकलवाना चाह रहे हैं? बस अब यहाँ मेरा नहीं, दम नहीं। निकल जाएगा ना, मैं यहाँ रोज फिर मॉर्निंग शो में नहीं खड़ी हो सकती। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मरोगी नहीं तुम। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं। हमने आपको घर बुलाया है, रिस्पेक्ट दिए, आप हमारे घर आई। इन्होंने मुझसे कहा था मैं इतनी बड़ी शेफ बुला रहा हूँ जो मॉर्निंग शो करती है, तो मैंने कहा जरूर हमारे घर में, मुझे तो पता है खाना पकाना नहीं आता। अच्छा, आपकी क्या फेवरेट चीज़ है? वो बनाऊंगी मैं, इनकी फेवरेट मैं बता दूँ। आप दोनों की? आप मेरी फेवरेट बना दे पहले। हाँ, क्या फेवरेट? आप किसी तरीके से मेरी बीवी का मुँह गर्म करके लाते। इनका मुंह जो है ना, मुझे पता है आप मुझ पे हमला करेंगे। इनका मुंह ताजा कर दे पानी का सीधा मजा, जैसे नान ताजा नहीं करते। तो मेरा मुंह बासी हो गया क्या? अरे यार मजाक चल रहा है। क्यों पर आपने इसको ऐसे क्यों बोला? गलत तो बोल रहे हैं आप ऐसे। मजाक चल रहा है, मजाक। ओए ये देखिए जरा, गरम है? गरम है? हाँ गरम हो गया। बस सही है, जरा नमक चखना। क्या हुआ? अच्छा चाहिए। अब मैं आपको, मैंने तरकीब बता दी, अब एक नई तरकीब। अच्छा। जो मसाला हम बकरे के गोश्त में डालते हैं, वो मसाला क्यों ना वक्त बचाने के लिए हम बकरे को खिला दें? हैं? बकरा खाएगा? बकरा खा गया, अब आपने बकरे के अंदर मसाला डाल दिया। अब जब उसकी बोटियां करेंगे तो मसाला नहीं डालना पड़ेगा, टाइम बचेगा, चूल्हे का गैस बचेगा। गैस बचाओ, मुल्क में वैसे ही गैस कम हो रहा है। सही है, बकरे को मोशन लग जाएंगे फिर उतने मसाले खा के। कोई बात नहीं। हाँ, बकरा बीमार हो जाएगा फिर। बकरा बीमार हो जाएगा, उसको दिखा लेंगे किसी और को, कोई ऐसा मसाला नहीं। हलवे कितने किस्म के बना लेती हो? आपको क्या पसंद है? आपको कौन सा? हर बात में आप ऐसे क्यों कहती है? आपको क्या पसंद है? आपको मुझे गुस्सा दिला रही है? नहीं, मुझे क्या करोगी आप? आप हलवा सीख के फिर क्या करोगी? कैसी बात ये कर रही है? इस औरत को मेरे पे इतना शक है। मैं तुम्हारी बात, मैं आप दोनों से पूछूंगी, आप दोनों को। नहीं, आप उनकी तरह देख के उनसे पूछ रही हो। इस औरत को इतना शक, मैं तोती नहीं पाल सकता घर में। तोती पाली मैंने और उसके लिए मैं छोटे छोटे से पैरों के लिए घुंघरू ले आया। ये तोती के सामने बैठ गई, उसको कह रही है मेरे मियाँ को सेट कर लिया तूने, तोती से कहा इसने। शर्म आनी चाहिए आपको। तो आपने मुझे कभी पांसेप लाके दिए? तोती को लाके दे दिए। देख रहे गरम हुआ कि नहीं हुआ? देख लेना। हाँ, गरम हो गया। बस सही है, पहले भी हो गया था। अब इसमें भगा डाल दें। अच्छा, अब इसके अंदर ये अपना क्या नाम है, ये मसाला डाल दें इसके अंदर। जल्दी करें, जल्दी क्विक।
मसाला और क्या डालना है? अब इसके अंदर रायता डालना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये देखिएगा बनेगा क्या। अब इसके अंदर लाल मिर्ची डालें। वाह आप ये डल गई। हाँ, अब इसके अंदर ये आप ये दही के दो चम्मच डाल दें। दही के दो चम्मच डालें, जल्दी से जल्दी लाएं, जल्दी करें। क्या हो गया भाई? ओहो कितना अच्छा रंग हो गया इसका। ये देखे एकदम देखे सुर्ख हो गया। हल्दी नहीं डालनी? हल्दी 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 मरीजों के लिए होती है, सर्दियों के लिए होती है। अब आप इसके अंदर साबुत लींबू डाल दें। साबुत ये चरवट फ्राई है, चरवट फ्राई सुनी ना, ये वही बन रही है। अच्छा अब गोश्त कहाँ है? गोश्त फ्रिज में है। फ्रिज में रखा हुआ है, निकाल के देना। मैं उनको क्या पता, वो हमारे घर मेहमान आई हुई है, उसको कह रहा है तेल डालने से। तेल वाह ये आपने मुझे पहले जो बताया, आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता। बकवास ना करें आप। आप यहाँ रखे गोश्त डाले, एक बोटी बस, एक बोटी से ज्यादा नहीं पकाता मैं। सरकार ये हैजा हो जाएगा, इतना क्यों पका रहे हैं? बेटा मैं हैजा नहीं, ये मैं अपने लिए पका रहा हूँ। तो मैं देखो अभी बोटी डाली है गले। तो वो क्या खाएंगी फिर आंटी, क्या खाएंगी? आधी आधी बोटी। सही है, आधी आधी बोटी। हरी मिर्ची डालना, साबुत डाल दो, साबुत बेहतरीन होगी। अब इस नमक नहीं डाला आपने, वो अपना अपना नमक अपना। मेरा चम चेहरा देखा कितना नमकीन है, फिर नमक की याद रखे। अब इस कढ़ाई का सबसे अच्छा फायदा क्या बताए? क्या जो मैं बताऊंगा, और यहीं पे जो है ना हम आज की अपनी तरकीब वाइंड अप करेंगे, मतलब खाने के साथ ही। सुन लीजिए ना, इस कढ़ाई का फायदा पूछे आप। फायदा बताइए। इसमें जो जो चीज डाली है वो वैसी है, यूं ही निकाल लो आपकी चीजें बच गई और वहीं पहुंच गए हम जहां से चले। कढ़ाई बनी भी नहीं, जबरदस्त कढ़ाई बन भी नहीं थी, कढ़ाई पकी भी नहीं, कढ़ाई पक सकती थी, चीजों को वापस कर लिया। ये है फजूल खर्ची से बचने का तरीका। सही तरीका, बिल्कुल सही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, अपना खाइए, अपने रिश्तेदारों के घर जाके मत खाइए। कुर्बानी का गोश्त बांटिए, लोगों को दीजिए, मुस्तहिकों को दीजिए। अपने डी फ्रीजर फ्रिज ना भरें, दें। अभी हमारी कुर्बानी यहाँ होंगी तो हम मोहल्ले भर को निहाल कर देंगे बांट बांट के। आप भी ऐसा ही करें ताकि हमें प्रॉपर लोगों को गोश्त पहुंचाने का सवाब मिले। सरकार वो हिस्से बना देते तो फिर अच्छा हो जाता। भाई बहुत उम्दा, इसे बना लो। चले सही, ठीक है ठीक है। इसमें आधा पाव लकड़ी डाल लो। हैं? आधा पाव लकड़ी। क्यों लकड़ी क्यों? अरे वो होती है ना जो गरम मसाले में होती है। कौन सी लकड़ी? ये आ गई सरकार। अरे ये क्या है? ये मैंने जानवर की लकड़ी। भाई बोला मार कर ला। ये हिस्से बनेंगे, हैरान औरत। हाँ ये क्या, ये क्या पता तो ये सारा है। पीसेस पीसेस हर बात का पता है। एटम बम की तक ये ढकना मुझे आती है। देखो भी कैसे बटेगा और ढकने। बात सुन, ये जो हिस्सा है ना जी, ये वाला जी, ये जाएगा ससुराल। ससुराल। और ये वाला जो यहाँ तक का हिस्सा है ना जी, ये जाएगा गरीब रिश्तेदारों में। गरीब रिश्ते। और ये वाला जो मैंने यहाँ से पैन यहाँ तक लगाया, ये जाएगा उन लोगों में जो हमारे रिश्तेदार नहीं है। और ये सारा और ये और ये और ये वो है जो ये सब का सब हमारे घर में तकसीम होगा और यही खाया जाएगा। तो ये तो आपने पूरी गाय रख ली। हिस्से निकाल के रखिए, इसमें गरीबों के लिए खाल है, बाकी सारा हमारा माल है। क्या आपका इंसाफ है सरकार, मारी जाओ। बेटा ऐसे ही तकसीम करते हैं, तभी तो दोनों जहान में इज्जत मिलती है। ले कैच कर, था ही नहीं। अच्छा ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैच था, जो होता नहीं है, लेकिन लड़के यूं कर रहे होते हैं, इनके हाथ में आएगा। ले ले पकड़। अच्छा भाई तकसीम भी हो गई, खाना बट भी गया, बिल्कुल बन भी गया, बिल्कुल। अब चल के गाय कटवाओ, बिल्कुल बकरे कटवाओ, ठीक है, और दुम्बा कटवाओ। मैं भी चलूं? हाँ तुम आ जाओ, लेकिन कसाई से दूर रहना, कहीं दुम्बे के नंबर पे आप हाथ में ना आ जाए। फिर ओ सॉरी सॉरी बेगम, सॉरी बेगम, सॉरी बेगम, बेगम सॉरी, जाते नु माफ किता। क्या सुन रहा है? नहीं मैं बदतमीज। बेगम आइए। आई
यहाँ से आ जाए, कहाँ से चलते हैं? यहीं से चलते हैं ना, यहाँ से इनकी पेमेंट कर दी है ना हमारे म्यूजिक। अब एक काम करो बेटा, कुर्बानी हो चुकी है मेरे बच्चों, खुशी के गीत गाओ, खूब बजाओ, गाओ, और इधर खाना रखा हुआ है, ठंडी बोतलें आ रही हैं, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी था मगर नहीं है। आओ